ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଆପ୍ର ଭିତିରି ଯୋଜନା ସାଜିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସିମ୍ପାଥାଇଜର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଚଲାଇ ଦେଲେନି ବୁଲ୍ଡୋଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଦଳର ଘଣ୍ଟଘୋଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀର ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ ପରେ ସାହିନବାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହିନବାଗର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବୁଲ୍ଡୋଜରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଶାସକ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଓ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଜାଣିଶୁଣି ସେଠାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସହ ବୁଲ୍ଡୋଜର ସାମ୍ନାରେ ବସି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଉସ୍କାଇ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ जो पूर्व में विधायक रहे उन्होंने हमारे निगम के कर्मचारी के साथ कितनी अभद्रता की उनके साथ मारपीट की बुरी तरह से उनका आचरण उससे जगजाहिर हुआ और उसकी सजा उनको 2 महीने जेल में रह करके मिली आगे भी उन्होंने हमारे कर्मचारियों के प्रति अगर 1% भी इस तरह की भावना के साथ में कोई काम किया तो उनकी जगह वहीं बनाई जाएगी जहाँ से वो 2 महीने पहले आए हैं और रहे आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला साहब उनको भी मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आप विकास की राजनीति करें आप तोड़फोड़ की टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति ना करें लोगों को गलत धारणा में ना रखें लोगों को स्पष्ट संदेश दें लोग देश के प्रति समर्पित हों समाज के प्रति समर्पित हों इस भाव के साथ हमें राजनीति क्षेत्र में काम करना चाहिए तबे साइन बागरे घरों दुकान ऊपर बुलडोजर चलाइबा को देबु नहीं बोली कहुतिबा एही कांग्रेस और आप सेठारे अड्डा जमाई रहुतिबा ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ରୟ ସିଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ସାହିନବାଗ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ନିକଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାହିନବାଗରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं जो दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं अगर उस पर कार्रवाई हो रही है अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही तो इसमें गलत क्या है और फिर वो लोग जब यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं जब यहाँ बम फोड़ते हैं तो बम फोड़ के जो लोग नुकसान में आते हैं वो धर्म और जाति मजहब नहीं देखता जो आतंकियों का बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का बम वो धर्म जाति मजहब नहीं देखता तो कृपया करके इस कार्रवाई को धर्म जाति से नहीं जोड़ें अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है कोई भी करता है उस पर कार्रवाई होती है लेकिन उसको ये लोग अपने आप से जोड़कर खुद इस तरह के अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं अन्य पटे जबरदखल अभियान को विरोध करी सीपीएम पक्षरु सुप्रीम कोर्ट रे एक मामला रुजु करा जायतिला ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍